हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता। मेरे चैनल कुकिंग ममता में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे वेज मेयोनीज सैंडविच। इन्हें हम ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या एज ए स्नैक्स भी ले सकते हैं। ये देखने में तो अट्रैक्टिव लगते ही हैं, साथ में खाने में तो लाजवाब है। ये बच्चों व बड़ों दोनों को ही खूब पसंद आने वाले हैं। ये एक फायरलेस कुकिंग है जो झटपट बन जाती है। आइए बनाना शुरू करते हैं वेज मेयोनीज सैंडविच। मिक्सिंग बाउल में 2 टेबलस्पून मेयोनीज ले लेंगे। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और ये हमने हाफ कप पत्ता गोभी ली है, इसको हमने थोड़े मोटे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। और ये हाफ कप कैरेट या गाजर है, इसको भी हमने एक ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। ये थोड़ा बारीक ग्रेटर से इसे ग्रेट किया है। पत्ता गोभी और गाजर को इसमें मेयोनीज में मिक्स कर देंगे। ये पत्ता गोभी और गाजर को मेयोनीज में मिक्स कर दिया है। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और ये 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे और ये 3-4 ड्रॉप विनेगर के इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने 4 स्लाइसेस सैंडविच ब्रेड के लिए है। इसके एजेस ऑलरेडी ट्रिम है और आप इसकी जगह सादी ब्रेड भी ले सकते हैं, जिसके की किनारे आप ट्रिम कर सकते हैं। और इस व्हाइट ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। इस चॉपिंग बोर्ड में हमने ये दोनों ब्रेड के स्लाइस रख दिए हैं और इसके ऊपर अब हम ये वाला मिक्सर स्प्रेड करेंगे। इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। मिक्सचर हमने दोनों स्लाइस पे इवनली स्प्रेड कर दिया है और अब इसके ऊपर हम ये दूसरा स्लाइस से कवर कर देंगे। इस तरह से कवर करके इसे प्रेस कर देंगे। सैंडविच रेडी है, अब इसकी प्लेटिंग कर देंगे। ये सैंडविच आप पिकनिक पर ले जा सकते हैं और सफर में भी साथ ले जा सकते हैं और बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी इसे रख सकते हैं। आप पार्टी के लिए इसे पहले से बनाकर क्लीनिंग फॉइल में रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं और पार्टी टाइम में इसे एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये फायरलेस हेल्दी एंड इजी टू मेक ब्रेकफास्ट रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप इसे ट्राई करें, लाइक व शेयर करें। चैनल कुक विद ममता को सब्सक्राइब अवश्य करें और किसी क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।